वेलकम बैक दोस्तों, एक बार फिर से आपका इस चैनल पे स्वागत है। मैं हूं अली अशरफ। अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हुए तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि इस पे रोज़ अपडेट आता है मोबाइल के बारे में, टेक्नोलॉजी के बारे में, इंटरनेट के बारे में। चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। आज मोबाइल पे बारे बताऊँगा लेनोवा जुक, उसका रिव्यू करके जो मैं यूज किया हूँ तो इसका एक्सपीरियंस क्या है, इसके अंदर मोबाइल में क्या काबिलियत है। चलिए देखते रहिए इस वीडियो को अंत तक। जैसे कि मैं आपको बता रहा हूँ, यहाँ पे दिखा रहा हूँ आपको मोबाइल, ये लेनोवा का जिक मोबाइल है। ये एक नया लेटेस्ट ही फ़ोन निकला है। ये इस फ़ोन का खासियत मैं बताऊँगा, इसको यूज करने में मेरे को कितना अच्छा लगा, ये इसका एक्सपीरियंस क्या लगा मेरे को, कितना बेहतरीन है। सबसे पहले मैं बता दूँ आपको, ये जो मोबाइल है, इस मोबाइल में सारी 5 इंच स्क्रीन दिया गया, बड़ी स्क्रीन दिया गया इसके बिग। और यहाँ पे जो है, यहाँ पे यह सेंसर आप फिंगरप्रिंट आप यहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी जरिए पे जो है होम बटन जो है, ये बैक बटन है, ये मेन्यू बटन। और यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे ये पावर की दी है, पावर की ऑफ ऑन का। और यहाँ पे वॉल्यूम बटन है। और ये मैं आपको बता दूँ, यहाँ पे फ्लैश लाइट है। ये जो कैमरा जो है, आपको बता दूँ, ये कैमरा सोनी का कंपनी का कैमरा है, IMX सोनी कंपनी का कैमरा है ये। और यहाँ पे मैं बता दूँ, ये चार्जर है प्लस ये मैक दिया गया एक। और ये स्पीकर है, वेरी लाउड स्पीकर नहीं होगा, मगर नॉर्मल स्पीकर है। और ये आगे का कैमरा जो मैं बता दूँ, इसका कैमरा है 8 मेगापिक्सल। और यहाँ पे इसका यहाँ पे थोड़ी छोटी साइज में ये सेंसर है प्लस ये स्पीकर दिया गया है। और यहाँ पे मैं बता दूँ, ये हैंडफोन जैक है ये। ये जो क्वालिटी दिख रहे हैं, ये एकदम वेरी स्मूथ है। इसमें कोई अच्छी, सबसे अच्छी बात है कि बहुत अच्छी शाइनिंग भी है, थोड़ा सा ग्रिपिंग अच्छा है ये मोबाइल का। आप यूज करेंगे, लेंगे तो फिर आपको पता चल जाएगा क्या मोबाइल है ये। एकदम वजन भी थोड़ा सा अच्छा पीस है। कैमरा स्क्रीन से कैमरा के बारे में बताऊँ तो कैमरा तो क्वालिटी एकदम गुड है, आप यूज कर सकते हैं, आपको पता चल जाएगा। आगे कैमरा जो है 8 मेगापिक्सल है, तो आपको बताया होगा आपको जो कैमरा क्वालिटी क्या है, इसका पिक्चर कैसा आ सकता है। 5 मेगा आप तक खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि 5 मेगापिक्सल में और 8 मेगापिक्सल में कितना डिफरेंस होता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं, ये इसका इंटरफेस है, ये मेन्यू बटन है इसका। ये देखिए थोड़ा कुछ मोबाइल से ये कुछ अलग डिफरेंस इसके अंदर डाला गया। ये मैं कुछ वाई डिफॉल्ट ऐप्स सब डाला गया इसके अंदर, जो आपको दिखा देता हूँ आपको। थीम्स वगैरह भी चेंज कर सकते हैं आप, जैसा थीम्स रखना चाहते हैं। आइए इसका लोगो जो है, लोगो जो है, लोगो में कुछ डिजाइनिंग दिया गया, कुछ अलग फेस दिया गया। ये देखिए मेन्यू बटन, इसका मेन्यू बटन इस टाइप का आएगा, इस टाइप का मेन्यू बटन। इसमें देख सकते हैं आप जिस नाम का आप, अगर आप ऐप खोलना चाहते हैं, इसे ड्रॉप करके आप इसके अंदर जो भी ऐप खोलना चाहते हैं, आप इस पर नाम डाल करके आप ऐप खोल सकते हैं ईजिली, कोई टेंशन नहीं। तो मैं आपको थोड़ा सा बता दूं, उसके बाद आप इसे ड्रॉप करेंगे नीचे की तरफ, तो यहाँ पर वाईफाई, इसका भी इंटरफेस थोड़ा चेंज है अदर मोबाइल से। तो इसके अंदर ब्लूटूथ, वाईफाई, डबल सिम। इसका डबल सिम जो है, आप दोनों डबल सिम है, आप दोनों डबल सिम 4GB यूज कर सकते हैं इसके अंदर। अगर आप डबल सिम यूज करेंगे तो फिर एक्सपेंडेबल मेमोरी आप यूज नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इसमें डबल सिम है, उसी के अंदर आप सिम मेमोरी कार्ड लगा सकते हैं एक्सपेंडेबल। तो आप इसके अंदर से मेमोरी जो दिया गया फोन के अंदर 64 GB इसके अंदर मेमोरी है प्लस। और इसका जो फास्टिंग है, इसका रैम जो है, रैम और 3GB रैम इसके अंदर दिया गया, इसलिए तो आप इसमें गेम खेल सकते हैं, बड़ी से बड़ी गेम, हार्ड से हार्ड गेम इसके अंदर यूज करके एकदम चला सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा आपको। इस मोबाइल के अंदर जो बैटरी लाइफ है वो 4100 mAh इसके अंदर बैटरी है। और इसके अंदर में इसे असल ये कि इसके प्रोसेसर जो है, प्रोसेसर ऑक्टर कोर प्रोसेसर है, मतलब इसका प्रोसेसर का कि आप इसके अंदर कोशिश कितना बड़ा है, मतलब कितना ही भी फास्ट प्रोसेसर है इसके अंदर, बड़ी से बड़े गेम आप यूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। प्लस ये डॉल्बी साउंड भी है, डॉल्बी साउंड रोटेटेड। और यहाँ पे देख सकते हैं हॉटस्पॉट। और तो मैं आपको बताता हूँ यहाँ पे कुछ सेटिंग में जा करके,
सेटिंग में जाने के बाद यहाँ पे देख सकते हैं कुछ चेंज है यहाँ पे। असल में क्या है कि मेरा मोबाइल में जो है थोड़ा सा क्वालिटी नहीं दिख रहा होगा, उसके लिए माफी चाहता हूँ आपको। तो मैं थोड़ा सा लाइटिंग वगैरह का थोड़ा सेटिंग कर रहा हूँ, इसकी वजह से कुछ डिफरेंस है, उसके लिए थोड़ा नाराज ना हो, थोड़ा सा इसमें थोड़ा सा डिफरेंस आ सकता है। यहाँ पे सेटिंग कर रहा हूँ इसके बारे में, तो मैं आपको डिटेल थोड़ा बताता हूँ। यहाँ पे ये वाईफाई है, वाईफाई के अंदर जाने के बाद उसके बाद ब्लूटूथ है, फिर सिम कार्ड है, डेटा मोबाइल्स है, यूजर है, अकाउंट मेंटेनमेंट है, प्राइमिक है, उसके बाद लोकेशन, डेट, प्लान, स्टोरेज और प्रिंटर ऑन अबाउट फोन। इसमें से कुछ डिफरेंस है दिया गया बाकी से फोन से। इसका जो आपको वर्जन कुछ बताऊँ, एंड्रॉयड वर्जन जो है, इसका एंड्रॉयड वर्जन जो है ये 5.1.1 इसका दिया गया है। ये कैनोगन ओएस वर्जन, कैनोगन ओएस वर्जन का ये कुछ अलग डिफरेंस है। ये आप देख सकते हैं यहाँ पे लॉलीपॉप लेडीज वर्जन है, ये कुछ अच्छा वर्जन दिया गया है। तो ये आपको फ़ोन कुछ टेंशन नहीं है, फिर आप बिंदास ले सकते हैं, इस फ़ोन में कुछ प्रॉब्लम नहीं है, इसे हम बड़ी से बड़ी चीज़ कर सकते हैं, बड़े सवेरे अच्छा फोटो और वीडियो क्वालिटी तो एकदम झकास है, एकदम बिंदास यूज कर सकते हैं, कोई टेंशन वाली बात नहीं। तो यहाँ पर देख सकते हैं इस तरह ऐसा कुछ फंक्शन है, इसको एंड्रॉयड का बता रहा था। अभी अंदाज़ा लगा सकते हैं आप इसके अंदर तो अच्छा यूज करके आपके पास। तो ये हमारा रिव्यू था, थोड़ा सा छोटा सा रिव्यू था कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ हमारे इस वीडियो को लाइक करें। अगर आप हमारे चैनल को, अगर आप अब तक सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि रोज़ हमारे इस चैनल पर रोज़ नए से नए अपडेट आते रहते हैं मोबाइल के बारे में, टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर के बारे में। तो चलिए दोस्तों, मैं आपको नेक्स्ट वीडियो मिलूँगा, अपना ख्याल रखिए दोस्तों, चलिए अल्लाह हाफिज़, खुदा हाफिज़ भाई, थैंक यू।